दोस्तों, मैं आज आपको जो एनिमेशन वाला वीडियो होता है, एक बेल आइकन को, जो कि कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते होंगे आप, तो वो नीचे में राइट साइड या लेफ्ट साइड का आकर रहता है एनिमेशन वीडियो सब्सक्राइब का दिखाते रहता है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो ये एनिमेशन वीडियो कैसे बनता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप इजी एक प्रोफेशनल किस तरह का सब्सक्राइब एनिमेशन बटन वाले वीडियो बना सकते हैं आप, और अपने वीडियो पे, यूट्यूब के वीडियो पे ही आप उसे लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब का जो वीडियो बना रहे हैं वो कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा एप्लीकेशन, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग काइन मास्टर का यूज करता है, या पावर डायरेक्टर का, या फिर फिल्मोरी का यूज़ करता है। तो अब इस तीनों में भी क्या है ना, कि जो ये जो वीडियो बनाना है ना, वो बिल्कुल प्रोसेस सभी में सेम ही है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, कि एक ग्रीन कलर का स्क्रीन डाउनलोड करना पड़ता है। ये ग्रीन कलर का स्क्रीन जो है ना, वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो, इस पर कोई कॉपी राइट्स का क्लेम नहीं है। और एक दो वेबसाइट भी है जिसे आप क्रोम में ओपन करके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, क्रोम ओपन किया है, वैसे मैं ऑलरेडी ओपन कर रखा हूँ। तो आप डायरेक्ट भी पिक्सोवे, PIXABAY.com वीडियो, ये इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन को आप खोल लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वीडियो है, लेकिन आपको ग्रीन स्क्रीन वाला चाहिए, तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, आप सर्च कीजिए स्टार्ट पे आके। अब देखिए, बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखिए, ये सब कोई भी एक आप इसमें से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आप कोई भी, आप देखिए ऑप्शन आ गया डाउनलोड का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो आपको मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ कैन मास्टर का एप्लीकेशन यूज करके बेल आइकन का बटन दबाने का जो वीडियो होता है, एनिमेशन वीडियो, वो बनाना सिखाता हूँ। जैसे कि मैं कैन मास्टर को ओपन किया। ठीक है, कैन मास्टर में ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू में आओगे आप, इसमें करके इसमें यूट्यूब के लिए बनाना है आपको ना, तो 16:9 रेशियो वाला सेलेक्ट करना है, जो एस्पेक्ट रेशियो है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन है ऊपर में, इस नेक्स्ट को करना है। ठीक है, नेक्स्ट में करने पर जैसे कि मैं ये डाउनलोड कर रखा हूँ, देखो ये डाउनलोड वाला दिख रहा है ना व्हाट्सएप के बाद, तो ये डाउनलोड वाला मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो ये कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि आप ये सब मैं सारा डाउनलोड कर रखा हूँ, इन वीडियो जो एनिमेशन वीडियो में डाउनलोड, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा छोड़ दो, ये चौथा पे आ जाओ आप, ये चौथे पे आ गया मैं। ठीक है, अब इसको कट कर दो, एक बार इसको प्ले करके आप देखो, ये आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ सब्सक्राइब का आ रही है, एनिमेशन वीडियो जो है वो आ रहा है, एनिमेशन मतलब बाकी कुछ नहीं आता। अब इस पर क्या करना है आपको, कि इस पर आपको अपने चैनल का नाम, अपना प्रोफाइल जो पिक्चर है वो लगाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये जो लेयर का ऑप्शन दिखता है ना, लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप क्या करोगे, कि आप जो है इसमें से कोई अपना प्रोफाइल पिक्चर ले लीजिए, जो मन करे, अब जैसे कि मैं ये ले लिया। ठीक है, अब ये प्रोफाइल पिक्चर में गया ना, इसके बाद क्या करना है, इसको आपको ये जो क्रोमा देख रहे हैं ऑप्शन, क्रोमा की का CHROMA की हुआ है, इसमें जाना है। इसमें जाके इसको, सॉरी, क्रोमा की में नहीं जाना है, आपको क्रैम्पिंग में जाना है। इसमें क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल कर देने के बाद क्या है ना, कि शेप में जाओ। शेप में ये बहुत सारा ऑप्शन है कि आप किस तरह से प्रोफाइल पिक्चर, जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो सर्कल वाला ही लगाते हैं, यही आप सेलेक्ट कीजिए। और जो ये ऊपर में जो टिक देख रहे हैं राइट का, जो सही का लगा हुआ है, मतलब टिक बना हुआ, उस पर टिक कर दिए, ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि आपको सही शेप में इसमें फिट करना है फ्रेम में। अब ये इससे छोटा बड़ा हो जाएगा, घुमाना जब हुआ तो अब छोटा कीजिए इसको, इसको पकड़ के यहाँ पे लाइए, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा आपको, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको ये जो ऊपर में जो राइट साइड में आपको सही का निशान दिख रहा है ना, उस पर टिक कर देना। ओके, ये फिट हो गया मेरा फ्रेम में। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको अपने चैनल का नाम डालना है। अब चैनल का नाम कैसे डालें, फिर आपको लेयर में जाना है, ये जो लेयर बना है लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जैसे कि मेरा चैनल का नाम है ए टू जेड कंटेंट, कंटेंट लिख लिया, ये चैनल का नाम लिख लिया, इसको ओके कर दिया। ओके हो गया, अब इसको ला करके यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये तो कर दिया, अब दिख नहीं रहा है, तब इसके लिए क्या करना है आपको, कलर सेट करना है बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड में बहुत सारा कलर दिया हुआ है। चलिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ये इसको, ये जो सही का निशान है ना, जो 3333 लिखा है इसके ऊपर, इसको ओके कर देना। अब देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा जो लाइनिंग है ना वो बाउंड्री सही करते हैं, जिससे कि थोड़ा डार्क देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो आउटलुक टेक्स्ट जैसे कि देखिए, ये शो डाउन बैकग्राउंड कलर हो गया, ये शो डाउन में जाते हैं, इनेबल करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ओके। फिर आप क्या करो, टेक्स्ट में इसी में जाइए, और क्या करना है आपको, अभी क्या है ना कि अभी इसको ये हुआ नहीं, आउटलाइन में जाते हैं, आउटलाइन में इनेबल करके थोड़ा इसको, हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, ओके। इसको सही निशान पे जो बना हुआ है आउटलाइन के सामने देख रहे हैं सही का, उस पर टिक कर देना, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको लिखने का तरीका कैसे, जो अल्फाबेटिक का जो ए टू जेड लिखे है ना, इस तरह आप अपने चैनल को किस स्टाइल में लिखना चाहती हो, तो उस स्टाइल को बदलने के लिए आप ये जो डबल ए दिख रहा है ना, उस डबल ए पर टिक करें, तो आपको फ्रंट बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट में जिस स्टाइल में आप लिखना चाहोगे ना, इस स्टाइल में वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों लैटिन और एंड्रॉयड, तो ये लैटिन वाला हो गया, ठीक है। जैसे कि लाटो बोल्ड में कर दिया, चलिए बोल्ड कर दिया, ये सिलेक्ट कर लिया लाटो बोल्ड, ओके इसको कट करते हैं, देखिए लाटो बोल्ड आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ए टू जेड कंटेंट इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ ठीक है। अब इसको सही निशान पर जाकर टिक कर देते हैं, ये एडजस्ट हो गया। अब क्या है कि आप देखिए, जैसे मैं इसको प्ले कर, पहले आपको ये जो फ़ोटो लगाए हैं प्रोफाइल पिक प्लस जो लिखे हैं ना, तो एनिमेशन का वीडियो जो है ना, जितने ड्यूरेशन का है, जितने टाइम का, उस फ्रेम में इसको फिट करना पड़ेगा, आपको इस तरह से फिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या है ना कि ये जो प्रोफाइल पिक है ना, इसको भी फिट करना पड़ेगा, प्लस जो आप लिखे हैं चैनल का नाम वो भी फिट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो ड्यूरेशन है फोटो एनिमेशन वीडियो का, उसी ड्यूरेशन में आपको इसको सेट करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको अब प्ले करके देखता हूँ एक बार, देखिए ये आ गया, क्या होता अभी क्या है ना कि एनिमेशन वीडियो नीचे से ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, तो ठीक इसी तरह का एनिमेशन आपको अपने जो चैनल का नाम लिखे हैं उस पे भी, प्लस प्रोफाइल पिक पे भी करना है। तो अब देखिए, जैसे कि मैं ये प्रोफाइल पिक है, अब इस पर हमको एनिमेशन फिट करना है जो नीचे से ऊपर स्क्रीन में जब पहली बार आएगा ना, बेल आइकन को दबाइए, और वो जो क्या होता है कि पहली टाइम आया स्क्रीन पे, तो बेल आइकन को दबाने के लिए, तो अब एनिमेशन इन में जाना है, जो सबसे ऊपर का ऑप्शन दिखा है एनिमेशन इन, इन एनिमेशन, इस ऑप्शन में जाना है। इसमें क्या है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, सेलेक्ट किया रहा है, अप आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसकी टाइम देख लो, ये जो नीचे फ्रेम स्केल में दिख रहा है ना, ये स्पीड है कि वो कितने स्पीड से आएगा, तो ये 0.5 की स्पीड से आ रहा है, तो इसको हम 0.5 कर दिए, ठीक है। अब देखिए चलाकर देखते हैं हम एक बार कि ये देखिए, अब देखिए ये जो है ना एनिमेशन के साथ जो प्रोफाइल पिक पे मैं एनिमेशन सेट कर दिया तो वो आ रहा है ना। अब मगर क्या है, चैनल का नाम जो मैं लिखा हूँ वो नहीं आ रहा है। अब चैनल के नाम पे मैं टिक किया, ठीक उस पर इन एनिमेशन में गया और नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ किया है स्लाइड अप आ रहा है, मतलब स्लाइड अप आ रहा है, तो इस स्लाइड को मैं अप कर लिया। उसकी ड्यूरेशन नीचे जो स्केल में दिया है ना स्पीड क्या है, 0.5 में रखा हूँ, तो 0.5 इसका भी रख लूँगा कि दोनों सेम स्पीड से ही ऊपर आ जाए। अब देखिए मैं इसको फिर से एक बार प्ले करके देखता हूँ, ये देखिए आ रहा है ना, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दो चीज़ हो गया, लेकिन देखिए जब स्क्रीन पर आता है ना, ये देखिए मैं प्ले करता हूँ, स्क्रीन पर जब आया तब क्या है ना कि तीनों अब साथ में आ गया, जब आप नीचे हट रहा है स्क्रीन पर से बेल आइकन वाला, ये इंडिकेट करके कि हम बेल आइकन को दबाइए, फिर क्या है ना कि वो नीचे आ रहा है अपने आप एनिमेशन। तो अब क्या है ना, आपको इसमें फिर से एनिमेशन आपको फिट करना पड़ेगा, इसमें इन एनिमेशन नहीं करना है, अब आउट, क्यों, क्योंकि स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो इसे देखिए आउट एनिमेशन, ये ऑप्शन है ना, तीसरा, पहला है इन एनिमेशन, दूसरा ओवरऑल एनिमेशन, तीसरा है आउट एनिमेशन, तो आउट एनिमेशन में जाना है, और ये स्लाइड क्या है ना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये स्लाइड को हम क्या करेंगे, स्लाइड डाउन कर देंगे। मैं किस पर फिट किया हूँ अभी, ये प्रोफाइल पिक पे लगा रहा हूँ, इसकी स्पीड क्या था, 0.5 रखा था, तो 0.5 रख करके ये जो आउट एनिमेशन के ऊपर देख रहे हैं सही का निशान, उस पर टिक कर देना है आपको, ठीक है। अब एक बार चलिए हम चला कर देखते हैं इसको, ये देखिए चला कर देख रहा हूँ, देखिए आ गया, अब जाने वक्त का समय आ गया, जहाँ नीचे जाने का, देखिए
साथ में चला गया ना, लेकिन मैं अभी प्रोफाइल पिक पे ही एनिमेशन फिट किया हूँ। जो अपना चैनल का नाम ए टू जेड कंटेंट लिखा हूँ ना, उस पर मैंने ये अभी तक एनिमेशन ऑट एनिमेशन फिट नहीं किया हूँ। अब मैं ये नाम वाले पे एनिमेशन ऑट एनिमेशन फिट करता हूँ। चलिए फिर चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, ऑट एनिमेशन आते हैं, मैं आया, अब इसको नीचे स्क्रॉल कर गया, साइड किया, स्लाइड डाउन डाउन कर दिया। स्पीड क्या रखना था, 0.5 0.5 रख दिया, ठीक है। फिर सही के निशान पर टिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर मैं एक बार प्ले करके देखते हैं इसको, प्ले कर रहे हैं, देखिए आने वक्त स्क्रीन पर आ गया, और जब ये जाने के टाइम भी होता, देखिए अब साथ में ही चला गया ना दो तीनों। अब ये नहीं जाने का मतलब है कि ये थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए मैं बोला ड्यूरेशन, आपको ड्यूरेशन पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि जितनी देर की ड्यूरेशन हो ना वो उतना ही रखना है आपको। ये देखिए एनिमेशन अभी क्या हुआ, आ गया, ठीक है। अब जब जाने का समय हुआ तो वो दोनों चला गया। अभी ड्यूरेशन थोड़ा फिट करना पड़ेगा और आपको, ठीक है। प्रोफाइल पिक में भी थोड़ा बराबर करना पड़ेगा आपको, बराबर कर लो, ठीक है। अब चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए एनिमेशन आने वक्त आ गया, ये रहा एनिमेशन आने वक्त आ गया, ठीक है। अब जब जाने का समय है तो देखिए सब तीनों साथ में चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये एनिमेशन बन के आपका तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो ऊपर देखें ना एरो बना हुआ है ऊपर, अब इसे सेव करना है आपको, तो इस पर मैं आपको सेव एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये कहना है रिजोल्यूशन आपको बोल रहा है कि आपको इतनी रिजोल्यूशन, जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी एच डी है 1440p का, एफ एच डी है 1040p का, हाँ एच डी 720 का, एच डी 520 का, तो ये रेजोल्यूशन आपको बेनिफिट है कि आप किस में करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं 720 फिट कर दिया, 720 में करके इसको मैं सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरा वीडियो यहाँ पे सेव हो रहा है, देखिए अब ये वीडियो मेरा यहाँ पर सेव हो रखा है कैन मास्टर में। अब सवाल आता क्या है कि हम वीडियो को फिट कैसे करें किसी भी अपने जो वीडियो है उस पर कैसे करें। चलिए मैं यहाँ बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद एक न्यू क्रिएट किया, ठीक है, सोलेंडर का वीडियो लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोई भी एक वीडियो ले लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं कैमरे में गया, कैमरे में गया, ठीक है। अब देखिए मेरा कैमरा जो है खुल गया ऑप्शन, इसमें से मैं किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। अब मान लो मैं कि जैसे कि ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसके अब ये वीडियो जो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, अपना ये एनिमेशन अपना फिट करना है अपने को, ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, वीडियो को पहले अरेंज कर लेता हूँ, इसको रोटेट कर दिया, ये हो गया। अब देखिए कि मेरे को वीडियो को शुरू में ही लगाना है एनिमेशन या लास्ट में, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर शुरू में लगाना हो तो आप फिर इसमें क्या है कि लेयर में जाइए, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाइए, मीडिया में जाने के बाद देखिए ये कैन मास्टर में आपने सेव कर रखा है ना वीडियो बनाकर, ये वीडियो लीजिए, उठाइए और इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए इसको। अब ये क्या करना है, ये जो ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं ये पूरी स्क्रीन पे आपको करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पूरी स्क्रीन होगी आपका वीडियो। अब क्या करना है, ये यहीं पर मेन काम है आपका कि ये क्रोमा की देख रहे हैं ना आप, जो एक लड़की बना हुआ है दोनों कमर पे हाथ रखी है ऑट एनिमेशन के नीचे, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ये इनेबल कर देना है, इनेबल कर दिया। इनेबल कर देने के बाद ये जो ऊपर में है सही का निशान उसको टिक कर देना, यानी कि अब फिट हो गया है ये वीडियो में। देखिए जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करूँगा अपने आप आ जाएगा स्क्रीन पर, देखिए ठीक है आ गया। अब क्या है ना कि ये मेन वीडियो पे बीच में आ रहा है, तो आप इसको एक तरह से आप सही भी कर सकते हो, एक किनारे में भी ला सकते हो ऐसे करके, इसको आप पहले इस पर टिक करके इसको आप पकड़ के यहाँ पर कर सकते हो, इस तरह सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको सही कर दीजिए, अब चला कर देखिए वीडियो को प्ले कीजिए। जैसे वीडियो प्ले आ, ये ब्लैक आइकन आ गया दिखाने के लिए कि सब्सक्राइब बटन दबाया, फिर ये चला गया। इसी तरह से आपको करना है, और बाद में फिर क्या करना है, ये जो ऊपर में सबसे ऊपर बटन देखिए ना, ऊपर की तरफ पैर हो, एक्सपोर्ट करके इसको यहाँ पर रिजोल्यूशन जो दिया है ना HD जितना भी दिया है उसमें करके आपको, ठीक है, और सेव कर लेना है आपको अपने फ़ोन में। ये देखिए सेव हो रहा है वीडियो, ये देखिए वीडियो अब सेव हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है, और कोई भी वीडियो अपना आप बनाते हो ना उसको, चाहे शुरू, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे लास्ट में आप फिट कर सकते हो।
यही तरीका है, चाहे कोई भी आप टूल यूज करते हो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, सभी में यही तरीका है, चाहे वो कैन मास्टर का हो, चाहे पावर डायरेक्टर का हो, चाहे फिल्म मोरा का हो, कोई भी हो, सब में यही प्रोसेस है।